पानी की समस्या को लेकर नगर निगम हलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड डबरापारा की सैकड़ों महिलाओं ने निगम का घेराव कर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया। महिलाओं का कहना है कि इस वार्ड में पानी की समस्या काफी दिनों से चल रही है। पानी के लिए लगा मोटर पंप भी खराब हो चुका है। इन्हें पानी लेने दूसरी जगह जाना पड़ता है। रोड होने के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। समस्या हो जा रहा है, बाहर से पानी लाना पड़ता है और कई जगह ऐसा होता है कि पानी मतलब बह रहा होता है 20-25 कदम दूर में नल, लेकिन अपने यहाँ मोहल्ले में वार्ड नंबर 9 में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत समस्या होता है। कब से पानी नहीं आ रहा है? 5-6 महीना हो गया। इसकी शिकायत कहाँ की है आपको? शिकायत किया है और आवेदन भी डाला था मैंने आयुक्त के नाम। लाने के लिए अपन वो आगे जाते हैं, मतलब 50-60 कदम दूर। बहुत समस्या होती है पानी। शीतला मंदिर की तरफ जी साफ पानी आ रहा है? गंदा पानी पानी उधर तरफ साफ पानी आता है ना? पानी नहीं आता अपने वार्ड में, पानी नहीं चढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहा पानी। बोरिंग था और जो थे सब तोड़ डाले हैं, क्योंकि चौक चौक में आए थे वो पूरा तोड़े हैं। अभी पानी भी बिल्कुल नहीं है, पाइप पुराना लगा देते हैं, दो दिन चलता है बंद हो जाता है। जो पानी जा रहे हैं बहुत दूर बोरिंग में जा रहे हैं, वहाँ पानी में झगड़ा हो रहे, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी से बीमार भी हो रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमको पानी का बहुत समस्या है, पानी के साथ में लेके रोड का भी बहुत समस्या है। अगर डबरा पारा में कोई अगर घर में तड़प के मर जाएगा, वहाँ एक एम्बुलेंस जाने की भी रास्ता नहीं है ना, वो रास्ता भी सही होना चाहिए। और डबरा पारा में पानी हर मोहल्ले में वैसी आना चाहिए जैसे पानी सब जगह में मिलता है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ पर, वो समस्या हमारा दूर होगा तब हम यहाँ से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और नया मोटर और नया पाइप सड़ा सड़ा पाइप को भेज देते हैं, सड़ा सड़ा मोटर को भेज देते हैं, वो दो दिन नहीं जाता है, फिर मोहल्ले वाले के साथ में दो में भी होती है। एक क्या बात है, अब पानी का वाले अच्छे नया मोटर भेजे और नया नया पाइप भेजे और अच्छे से लगाए वहाँ।